अब ये मैंने आपको फंदे डालने सिखाए थे, अब इसके ऊपर मैं आपको सीधी सीधी सिलाई बनानी सिखाती हूँ कि सीधी सीधी सिलाई कैसे ली जाती है। जैसे फंदों को थोड़ा थोड़ा आगे करो और इस तरह लेके धागा इस सिलाई को इस फंदे के अंदर से लेना है, ऐसे ये इस तरह आ जाएगा। धागा इस तरह लेके इसके ऊपर से घुमाना है। शुरू शुरू में परेशानी होती है फंदा बुनने में और उतारने में, तो आप धीरे धीरे करें तो आपको आसानी से आ जाएगा। फिर इसमें फंदा लेके इसको ऐसे निकालना है, फिर इसको धीरे से जब ये निकल जाए इसको फंदे को ऐसे गिरा देना। दूसरा फंदा इसी तरह ऐसे इस बीच में लेना है, फंदे के बीच में धागा खींच के ऐसे लेना है, फिर इस तरह बुनना है। इसी तरह आप सीधे सीधे सिलाई आसानी से निकाल लेंगे। इस फंदे के बीच में ही धागा सिलाई को डालना है और इस तरह धागा ऊपर से डाल के फंदे के अंदर से खींचना है, इसे उतार दें। इस सारी उंगली से इस फंदे को पकड़ रोक के रखना है ताकि सारे फंदे एक साथ ना गिर जाएं। एक एक फंदे को आगे लाते रहें और इस सिलाई की सहायता से एक एक फंदे बुनते जाएं। तो सबसे लास्ट में हमने ऊन को सिलाई में लपेटा था, उसको भी एक ही फंदा समझे। इस तरह आपकी पूरी सिलाई सीधी फंदी सीधी सीधी सिलाई हो गई है। और सीखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखें।